नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आहूजा 100 वाट का स्पीकर बनाने जा रहे हैं। यह हमारा बनाया हुआ फिनिश प्रोडक्ट्स है और यह ज़्यादातर मंडप में यूज होता है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। लगभग हर मंडप डेकोरेटर्स वाले के पास आपको ये स्पीकर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये देखिए, स्पीकर को हम फाड़ करके अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए हैं और अब हम इसका पोल साफ़ करेंगे। पोल साफ़ करना हम हर बार बताते हैं दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोल के ऊपर डस्ट और कचरा जमा होता है, जो कॉइल का वेस्ट जला हुआ प्रोडक्ट होता है वो जमा होता है। तो ये देखिए, हम कॉइल का जो पोल है, सेंटर पोल, उसको हम साफ़ कर ले रहे हैं। इस स्पीकर का पोल लगभग साफ ही है। तो इस स्पीकर को बनाने के लिए हम अपना ही कॉइल यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, हमने एक बनाया हुआ डाई आपको दिखाया और ये हमारा कॉइल का एक फिनिश प्रोडक्ट है। तो इसको हम कॉइल को सेट कर दे रहे हैं सेंटर पोल के ऊपर में, और लगभग यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे, लगभग 7 से 8 टर्न, क्योंकि मिड का स्पीकर है तो ये ज़्यादा बाहर नहीं रहेगा। ये मिड के साथ बास इसमें बजता है, बास स्पीकर में टर्न हमें बाहर ज़्यादा रखना होता है। अब हम आउटर चेक कर लेते हैं। आउटर भी हमारा लगभग देखिए क्लियर जा रहा है। अब हम इस पर स्पाइडर लगाएंगे। तो स्पाइडर लगाने के लिए हम स्पेप 7 जो है वो बास्केट के ऊपर गोल रिंग में फैला दे रहे हैं, जहाँ पर हमारा स्पाइडर चिपकेगा। और उसके बाद हम स्पाइडर को कॉइल के ऊपर रख करके एक नोकदार इसको ड्राइवर से उसको सेट कर दे रहे हैं, ताकि कॉइल सेंटर में चला जाए, और गोल गोल घुमा करके हम स्पेप 7 को फैला दे रहे हैं। ये लगभग 5 से 7 मिनट में सूख जाएगा। तो 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको एक स्क्रू ड्राइवर ले करके उसको चिपका देंगे, जिससे अगर कहीं पर एयर का गैप होगा तो काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। अब हम इसको बोन टाइट से बनाएंगे। ये 5 मिनट में सूखने वाला केमिकल है, तो बोन टाइट हम बना करके रख लिए हैं। इसको हम स्पाइडर और कॉइल के बीच में अच्छी तरीके से एक सुई की सहायता से लगा देंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा भी नहीं डालना है बोन टाइट, और कम भी नहीं डालना है, इतना डालना है कि कॉइल और स्पाइडर और पेपर को अच्छी तरीके से पकड़ ले। तो ये देखिए, हम बोन टाइट पूरी अच्छी तरीके से गोल गोल घुमा करके कॉइल और स्पाइडर के बीच में चारों साइड लगा दिए हैं। अब हम इसमें पेपर सेट करेंगे। तो पेपर सेट करने के लिए हम क्लॉथ रिंग चिपकाने के लिए स्पेप 7 जो है सो रिंग में चारों साइड फैलाकर लगा दे रहे हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर सेंटर में पेपर डाल करके गोल गोल घुमा करके सेट कर देंगे। गोल गोल घुमाने से क्या होगा कि हमारा जो स्पेप 7 है और जो बोन टाइट है, वो दोनों अच्छी तरीके से कोन पेपर में लग जाएगा। उसके बाद हम एक उंगली की सहायता से स्पेप 7 को अच्छी तरीके से दबा देंगे, और जब वो सूख जाएगा तो 5 मिनट के बाद हम अंगूठे से उसको दबा देंगे, तो क्लॉथ रिंग हमारा बास्केट के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। अब क्लॉथ रिंग के ऊपर में हमें स्पंज की पट्टी लगानी है, जिसके लिए हम वापस इसमें स्पेप 7 लगा करके एक स्पंज की पट्टी से उसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे। इसका जो पुराना रिंग है वही हम इसमें लगाएंगे। तो उस पर हम पहले से स्पेप 7 लगा दिए हैं, और हम जहाँ पर अब स्क्रू टाइट करते हैं वो स्क्रू का होल मैच करते हुए स्पंज की पट्टी हम यहाँ लगा देंगे। स्पंज की पट्टी लग जाने के बाद इसको हम उंगलियों से दबा देंगे अंगूठे से, और उसके बाद किसी भी मोटी बेट या लकड़ी या स्क्रू ड्राइवर के हैंडल से उसको हम ठोक देंगे, जिससे वो काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। आप देखते होंगे मोची भी जब स्पेप 7 लगाता है तो इसी प्रकार ठोक देता है। अब हमें लीड वायर लगाना है। तो चूंकि हमारा बनाया हुआ कॉइल है, तो जो वायर के ऊपर कोटिंग रहता है वो नहीं निकला है, तो उसको हम जला करके निकाल देंगे और फिर एक जीरो पॉलिश पेपर से उसको घस लेंगे, और फिर एक नोकदार इसको ड्राइवर से कोन पेपर के ऊपर हम जहाँ पर हमारा टर्मिनल का वायर लगेगा वहाँ पर होल कर लेंगे, और टनसिल वायर लगा करके उसको हम उसमें वायर से लपेटेंगे। तो ये देखिए, हम इसमें टनसिल वायर होल से डाल करके टर्मिनल के सामने सेट कर दे रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हम कॉइल का वायर इस लीड वायर में गोल गोल घुमा करके लपेट करके सेट कर देंगे, और उसके बाद सोल्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। हम अपने लगभग 20-22 सालों का अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। ये देखिए, अब हम लीड वायर को सोल्डिंग कर दे रहे हैं। सोल्डिंग कर देने के बाद ये स्पीकर हमारा लगभग रेडी हो जाएगा। तो जो हम अंदर कॉइल को जाम किए थे वो छोटी छोटी प्लास्टिक की सीट, पीवीसी सीट निकाल दे रहे हैं, और जो मेन सीट हम डाले थे उसको भी हम निकाल दिए हैं। अब इसको हम बोन टाइट से टाइट कर देंगे, जाम कर देंगे। तो ये देखिए, बोन टाइट से हम जहाँ पर हमने सोल्डिंग किया है वहाँ पर, और जो कॉइल का चारों साइड का एरिया है उसमें हम इसको भर देंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट है कि आपने सही नहीं बताया, ऐसे सही नहीं होता है। तो अब हर जगह पे लोग अपने अपने तरीके से स्पीकर बनाते हैं। हम जिस तरीके से लगभग 22-24 साल से बना रहे, वही अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप कॉपी मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप कॉपी कर सकते हैं। हम सक्सेसफुली लगभग 22-24 साल से अपना शॉप वर्कशॉप चला रहे हैं।
हर मैकेनिक का अपना कुछ ना कुछ टेक्निक होता है, तो अगर आपको अपने टेक्निक पे ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है, तो आप अपने टेक्निक को ही यूज़ कीजिए। अब अंत में हम ड्यूअल कैप लगा देंगे तो ये स्पीकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, ड्यूअल कैप में हम चारों साइड बोन टाइट फैला कर लगा दिए हैं और इसको अब हम कॉइल के ऊपर सेट कर देंगे। कॉइल के ऊपर लगभग सेट कर देने के बाद ये स्पीकर फ्रंट से रेडी हो जाएगा। सिर्फ बैक साइड में हमें इसमें लीड वायर लगाना होगा, उसके बाद ये स्पीकर आधे घंटे के अंदर बजने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हम स्पीकर पलट करके उसका जो लीड वायर है दोनों टर्मिनल में उसको हम सोल्डिंग कर दे रहे हैं, और जो भी एक्स्ट्रा लीड वायर बचा हुआ है उसको एक कटर की सहायता से काट दे रहे हैं। फिर अब हम इसका माइनस प्लस चेक करेंगे। ये देखिए, हमारा लाल वायर प्लस है, दूसरा वायर माइनस है। इसको हम इस पर लगाते हैं, स्पीकर हमारा बाहर की तरफ जंप ले रहा है, तो हमारा माइनस प्लस सही है। इस स्पीकर में चूंकि माइनस प्लस लिखा हुआ नहीं है तो हम मार्क कर दे रहे हैं पॉइंट में भी और मैग्नेट के ऊपर भी। अब इसको हम बजा करके चेक करते हैं। ये आहूजा 100 वाट का स्पीकर है। ये ज़्यादातर मंडप में या स्टेज में यूज होता है, तो ये काफ़ी अच्छा थ्रो दे रहा है। मिड बास इसमें काफ़ी अच्छा थ्रो मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।